दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग GDS यानी ग्रामीण डाक सेवक की जो पोस्ट निकली है उसके बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग मेरी स्क्रीन के सामने देख ही सकते हैं, एप्लीकेशन ये 27/1 यानी कि कल से बिगिन हो चुकी है। 100 रुपये इसकी फीस है, फीमेल कैटेगरी के लिए कुछ भी फीस नहीं है और लास्ट डेट इसकी 16/2/2023 है, ठीक है। और करेक्शन डेट है इसकी 17/2/2023 से लेके 19/2/2023 तक। अगर कुछ किसी की गलती हो जाती है तो यहाँ से करेक्ट कर सकता है। और इसमें जो एज लिमिट है वो 18 से 40 की है और टोटल 40,000 पोस्ट है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़े लेवल पे यहाँ पे पोस्ट है, 40,000 भर्ती बहुत ही बड़े लेवल की है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश में, सिर्फ उत्तर प्रदेश में 7,987 भर्ती हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि ये मेरिट बेस पे होता है। जी हाँ दोस्तों, मेरिट बेस पे होता है, मतलब अगर आपके नंबर 90% से ऊपर है तो आपके बहुत ही ज़्यादा चांस हैं इसमें होने के। इसमें कोई पेपर नहीं होता है, ठीक है। आपको 10th पास होना होगा और जिसमें कि मैथमेटिक्स और इंग्लिश सब्जेक्ट जरूर चाहिए होंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोग यहाँ पे देखिए, वेबसाइट का नाम है indiapostgdsonline.gov.in। यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं, आप मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उन पे फिर OTP आएगा वैलिडेट करने पे, नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कम्युनिटी, सर्कल जहाँ से आपने 10वीं पास की है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे फिल करनी है और सबमिट कर देना है। फिर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद आगे का फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। और ये है इसकी मेन वेबसाइट, देखिए यहाँ पे अलग अलग राज्यों में, यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं कि इसमें क्या डिटेल्स हैं। यहाँ पे साइड में भी लिखा हुआ है, ये देखिए, पहले रजिस्ट्रेशन कीजिए, फिर अप्लाई ऑनलाइन कीजिए, फिर फीस पेमेंट कीजिए। और ये देखिए यहाँ पे आपको इंडिया पोस्ट GDS ऑनलाइन ये लिखना है आपको गूगल पे, तभी आपकी आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। तो दोस्तों इसी तरह की इन्फॉर्मेशन लेते रहने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।